हेलो एवरीवन, इस वाले पिछले वाले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन किया था आर डी सी टाइम फॉर ए सीरीज पे। ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एन इक्स टू समीशन एम इक्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एन माइनस फोर एम, देन सी के की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता है। पहले हमें क्या करना है, उसका ग्राफ बना के देखना है। वहाँ से हमें उसका पीरियड पता चलेगा जब हम सी के निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसका इसको ग्राफ बना इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर ये n है, ये कहाँ मैंने x है, कहाँ कहाँ पे आके इम्पल्स जो रहेंगी प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे होंगी। m इक्वल्स टू जीरो लगाया तो डेल्टा n बचा, एन डेल्टा n यानी n इक्वल्स टू जीरो पे एक इम्पल्स मिलेगी मुझे, ठीक है। देन क्या होगा, मुझे m इक्वल्स टू वन यानी फोर पे आके मुझे मिलेगी। तो बाकी के बीच में जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। वन टू थ्री फोर पे आके मुझे क्या मिलेगी, ऊपर की तरफ इम्पल्स मिलेगी। तो ये सब क्या हो गए, जीरो हो गए। ऐसे नेक्स्ट एट पे आके मिलेगी, ऐसे चलते चले आएगा, है ना। पाँच पे जीरो, छः पे जीरो, सात पे जीरो, आठ पे, फिर अब ऐसे पीछे एन कस माइनस वन पे मिलेगी। माइनस वन डालोगे तो प्लस फोर पे इधर जाके मिलेगी, माइनस फोर पे, ठीक है। बाकी के बीच के होंगे वो क्या होंगे, सब के सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये इम्पल्स मिली हमें, यहाँ पे लिख दो डेल्टा एन माइनस फोर, डेल्टा एन माइनस एट, डेल्टा एन प्लस फोर, ठीक है। तो बस सी के निकालना है। अब पहले इसका पीरियड देख लो कहाँ से कहाँ तक है। यही इम्पल्स आके यहाँ जाके रिपीट हो रही है, तो इसका ये पीरियड हो गया, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो जहाँ से अच्छा लगता हो। तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो, फोर माइनस जीरो यानी फोर, ठीक है। तो सी के क्या होता है, सी के निकाल लो, वन बाय एन समीशन एन को जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, एन में चलो मैंने यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया, तो एन इक्वल्स टू जीरो कहाँ तक, एक कम तक, एन माइनस वन एक्स एन ई की पावर माइनस जे टू पाई बाई एन के एन, ठीक है। सी के हमसे वैल्यू पूछी गई है, एक्स एन की वैल्यू हमें यहाँ से देख के लगा देंगे हम, ठीक है। तो सी के बराबर एन की एफ चार, और एन इक्वल्स टू जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, थ्री तक, एक्स एन ई की पावर माइनस जे टू पाई बाय फोर के एन, ठीक है। अब इसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ओपन कर दो। वन बाई फोर एन इक्वल्स टू जीरो लगाओ तो एक्स ऑफ जीरो हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो यानी वन। एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ वन लगाया तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जे टू पाई बाय फोर के, ठीक है। एक्स ऑफ टू लगाओ यानी एन के टू लगाओ इसमें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जे, ये हो जाएगा फोर पाई बाई फोर के। एन का सू थ्री लगाओ, थ्री तक लगाना हमें, ई की पावर माइनस जे, यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, अगर मैं थ्री लगाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा सिक्स पाई बाई फोर के। अब देखो यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो तो हमें डेल्टा एन मिल रहा है, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ थ्री की तो वैल्यू मुझे जीरो मिली है, तो ये और ये तो सीधे जीरो हो गया। एक्स ऑफ जीरो पे क्या मिला, डेल्टा एन यानी वन, ठीक है। कितना एम्पलीट्यूड हो गया इसका, वन, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि एक्स ऑफ वन टू और थ्री तो जीरो है, यहाँ पे देखो वन और टू थ्री तो जीरो है। तो आंसर कितना आ गया इसका, वन बाय फोर, ठीक है। सी के कितना आ गया, वन बाय फोर। आगे बढ़ते हैं, चलो एक्स एन दे रखा वन, कहाँ से कहाँ तक, जब एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी एन की हर वैल्यू के लिए आंसर कितना आता है, वन आता है। तो सी के पूछा है एन की हर वैल्यू के लिए, इसका मतलब यही था कि आंसर कितना आता है, एन इक्वल्स टू जीरो तो भी हमें आंसर वन मिल रहा है, एन इक्वल्स टू वन है तब भी मुझे वन ही मिल रहा है, एन इक्वल्स टू टू है तब भी मुझे वन मिल रहा है, एन इक्वल्स टू थ्री है तब भी मुझे वन मिल रहा है, ठीक है, एन इक्वल्स टू फोर है तब भी वन मिल रहा है। ऐसे ये प्रोसेस आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे एन इक्वल्स टू जब माइनस वन है तब भी मुझे वन मिल रहा है, एक्स जब माइनस टू है तब भी यही मिल रहा है, तो ये रिपीट होता चलेगा, ठीक है।
तो एन को कहीं से भी स्टार्ट कर लो। चलो मैं जीरो से स्टार्ट किया, और जीरो से स्टार्ट करने बाद में दो आर से वन का मिल रहा, यहीं पे मिल रहा, तो मेरा पीरियड कितना हो गया, एन वन माइनस जीरो यानी एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, पीरियड वन हो गया। सी के निकालते हैं, तो सी के क्या हो जाएगा, सी के का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, वन बाई एन समीशन, जहाँ से एन को स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं जीरो से ले आ रहा हूँ, कहाँ तक, जीरो से लेके स्टार्ट होता है कहाँ तक, एक कम तक, एक्स एन ई की पावर माइनस जे टू पाई बाई एन के एन, एन की वैल्यू वन है, लगा दो, वन बाई वन एन इक्वल्स टू जीरो, वन माइनस वन जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, यानी एन इक्वल्स टू बस जीरो लगाना है हमें, और कुछ नहीं, माइनस जे टू पाई बाई वन के एन, एन इक्वल्स टू केवल जीरो लिमिट हमारी समीशन की। तो ये कितना बचा, केवल एक्स ऑफ जीरो ई की पावर, ये तो कितना हो गया, जीरो ही हो गया, एन कस जीरो लगा तो एक्स ऑफ जीरो के इक्वल आ गया। एक्स ऑफ जीरो का मान कितना भैया, एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू है वन, तो सी के जा आ गया हमारा कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार देख लो कोई कैलकुलेशन छूट गई हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।